रिकॉर्ड कर लो एंड एक एक चीज पे हम देखेंगे। पहले मैं आपको टेक्निक बताऊं कि कैसे कैसे चेक होता है। आपको दिख रहा है ना ये स्क्रीन? यस सर, दिख रही मुझे। चेकिंग के ऊपर, गाइडेंस के ऊपर किसी भी तरीके का आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है? आप जितना भी लिखेंगे, जो भी लिखेंगे वो चेक होगा। कभी कभी अगर आपका एक या दो या तीन पाइल अप होता है कभी भी, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि आकाश आपका पाइल अप हो रहा है, आई नो दैट, एंड वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ऐसा कभी कभी होता है, जैसे कि किसी दिन बहुत ज्यादा काम हो गया, ऑफलाइन काम मान लीजिए, पढ़ाने के अलावा भी, तो ऐसा कभी कभी होगा। मैं पहले ही आपको बताता हूँ ताकि आप ज्यादा उसमें मतलब इम्पेशेंट ना होए। और जहां तक बात है क्वालिटी की, तो क्वालिटी देने में कोई कोर कसर रहेगा नहीं, क्योंकि टाइम अगर मैं किसी एक स्टूडेंट के साथ हूँ, चाहे 100 स्टूडेंट के साथ हूँ, मैं उतनी ही तल्लीनता के साथ, उतनी ही ईमानदारी के साथ मैं बताता हूँ, और जितना भी उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो करवाता हूँ देन एंड देयर। तो आप अपना नोटपैड और अपना जो क्वेश्चन है उसमें अपना स्क्रिबल करते जाइएगा, और जितना ज्यादा, क्योंकि होता क्या है कि जनरली लोग इस कॉपी के ऊपर देते हैं कमेंट, राइट? लेकिन एक्चुअली कमेंट कितना होना चाहिए? जितना लिखा है ना उससे दुगुना कम से कम कमेंट होना चाहिए, तभी इम्प्रूवमेंट होता है। तो इसीलिए ये वाला विधि मैं अपनाता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन इज मोरल एक्ट, राइट? एंड एडमिनिस्ट्रेटर इज अ मोरल एजेंट, राइट? तो ये बहुत ही जेनरिक तरीके से क्वेश्चन लिखा गया, लेकिन क्वेश्चन है बहुत स्पेसिफिक। सो व्हाट वी आर सीइंग हियर, एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? इट इज नॉट आस्किंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? सो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और एनी अदर organizational type of administration, right? So we are not sure that it is asking public administration or private administration. तो एक आपका सबसे पहले ये चीज, decodation जो है हमारा, सबसे पहले हम question को decode करते हैं, और decode करने के बाद हमें ये पता चलता है कि actual में लिखना क्या था। फिर moral act, so it is telling that it is act, means केवल action के बारे में बात कर रहा है, केवल एक्शन के बारे में मतलब बात कर रहा है, मतलब एग्जीक्यूशन के बारे में बात कर रहा है। दूसरी बात, एग्जीक्यूशन कैसा है? मोरल है। मोरल मतलब मोरल, मोरल एक्ट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? मोरल मतलब इसमें एथिकल डायमेंशन है कुछ ना कुछ, राइट? कोई ना कोई एथिक्स का डायमेंशन है, चाहे वो एथिक्स है चाहे मोरालिटी है, दैट इज अनदर थिंग। बट ब्रॉडर रूप में हम ये देखेंगे कि वी आर हैविंग एथिकल डायमेंशन इन इट, एंड देयर इज एग्जीक्यूशन डायमेंशन इन इट, एंड देयर इज लाइक क्लैरिटी की यही है, इज मीन्स डिफाइन कर रहा है। एंड एडमिनिस्ट्रेटर, नाउ एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर इज हियर जेनरिक ओनली। जैसे हमने देखा, जैसे हमने क्या देखा, जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ। जैसे हमने देखा क्या कि ये मोरल एक्ट है, ये प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसी तरीके से उसी में जेनरिक एडमिनिस्ट्रेशन, या तो पब्लिक एडमिन होगा या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, या किसी और भी तरीके का एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। सो वी डोंट नो which level, where, we don't know. Then again, moral agent की बात हो रही है. Agent means the, it is the agency which is giving the agent. Right. And moral again, ethical dimension है इसमें. Agent is doing the act. Morality, morality. And administration, administration. तो इसमें क्या निकल के आया? इसमें ये निकल के आया कि we are not sure about anything, but the statement is sure that administration is a moral act and administrator is a moral agent. अब जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, देखिए ये तो हो गया कि इसका हमने डिकोडेशन किया, इसके सब शाब्दिक अर्थ का। अब हम देख के आते हैं कि एक्चुअल में मोरल एजेंट और मोरल एक्ट एक्चुअली है क्या, कहाँ पे मोरल एजेंट और मोरल एक्ट होगा। देखिए हीगल का थॉट है, हीगल क्या बोलता है, जो हम पब्लिक पॉलिसी मेकिंग करते हैं उसमें क्या बोलता है हीगल, हीगल ये बोलता है जो स्टेट का टाइप है उसमें, हीगल ये बोलता है कि स्टेट इज द, लिखते जाइएगा ये सारा कुछ, इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन प्लैनेट अर्थ, राइट? दिस ही सेज, हीगल सेज दैट स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन प्लैनेट अर्थ। एंड जो एडमिनिस्ट्रेटर है, द एडमिनिस्ट्रेटर और द किंग और वट एवर, द एडमिनिस्ट्रेटर इज द डिवाइन पॉलिसी, वट एवर ही इज सेइंग दैट ही इज डिवाइन, सो बाय नेचर ऑफ हिज ऑफिस ही इज डिवाइन, सो डिविनिटी आ गई उसमें, द एडमिनिस्ट्रेटर इज
डिवाइन, और इसी एडमिनिस्ट्रेटर के डिविनिटी के चलते ही इज डूइंग व्हाट, द एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग द मोरल एक्ट एंड ही इज द मोरल एजेंट। ये हो गया आपका क्लियर, एक ये हो गया। दूसरे पे आइए, हीगल के बाद, अभी हम क्रोनोलॉजी में ही चलेंगे, सबसे पहले हीगल को ही देख लिया हमने। दूसरा क्या है कि सबसे पहले जब क्लासिकल एरा आया, क्लासिकल एरा ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप जानते हैं सबसे पहले 1887 में जब आपका स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आता है, तो क्लासिकल एरा में पैटर्नलिस्टिक स्टेट की खोज हो गई, पैटर्नलिस्टिक स्टेट। पैटर्नलिस्टिक स्टेट क्या है? पैटर्नलिस्टिक स्टेट ये सोचता है कि व्हाट एवर आई विल डू, जो एक तरफा है आपका वन वे कम्युनिकेशन या वन वे रोड बोल सकते वही है, जनता कुछ नहीं सोचेगी। तो दिस इज लाइक इम्पोजिशन, टॉप डाउन एडमिनिस्ट्रेशन। इसको एक चीज और कॉन्सेप्ट आया है, किसका? नैनी स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, नैनी स्टेट, राइट, पालखी वाला, पालखी वाला ने इसको क्या बोला? नैनी स्टेट बोला। ये आप लिखेंगे यहाँ पे, ये सब डिकोटेशन बता रहा हूँ कहाँ यूज करना है, दैट आई विल सी अकॉर्डिंग टू योर आंसर। अभी तक मैंने आपका आंसर देखा, तो ये नैनी स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया। अब तीसरी चीज हम यहाँ पे देखेंगे, मोरल एक्ट एंड मोरल एजेंट। तब ये चीज जब एनपीए आया, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तब क्या कहा गया कि एक तो या तो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे है एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज बीइंग फेल्ड, और वो इसलिए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेशन केवल देख रहा है ऊपर कि मुझे स्टेट क्या कह रहा है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, एंड मुझे लॉ ऑफ द लैंड क्या कह रहा है, ये सब सारी चीजें वो देख रहा है। एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स व्हाट, मिनिस्टर और प्रेजिडेंट, यस मैन है उसका वो। अब ये जनता में कुछ देख ही नहीं पा रहा, सिटीजन को कुछ देख ही नहीं पा रहा, सिटीजन इज नॉट लाइक ब्लैंक 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 ब्लैंक, कुछ भी बोल रहा है ये सुन ही नहीं पा रहा, मींस जो रियल यहाँ पे प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग है उसको नहीं देख पा रहा। तो यहाँ इसकी मोरालिटी क्या होनी चाहिए थी? अब ये प्रेस्क्रिप्शन जो देता है एनपीए, एनपीए क्या प्रेस्क्रिप्शन देता है? इक्विटी होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, रिलीवेंस होना चाहिए, सिटीजन सेंट्रिसिटी होनी चाहिए, यही सब तो देता है ना, जितनी भी चीजें हम देखते हैं उसमें। तो ये जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं वो क्या चीज दिखा रहा है कि मोरल एजेंट होना चाहिए, मोरल एक्ट होना चाहिए, ये प्रेस्क्रिप्शन की बात। अब तो इतने पे छूट नहीं देंगे हम, हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में भी देख लेंगे। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा पैरेलल क्या है? हमारा पैरेलल है कौटिल्या, हमारा पैरेलल है अशोका, हमारा पैरेलल है मुगला, और हमारा पैरेलल है ब्रिटिशर्स। इसमें सबसे ज्यादा जो मोरल एजेंट के तौर पर देखा गया है वो ये है, माई बाप राज ऑफ ब्रिटिश, माई बाप राज ऑफ ब्रिटिश, माई बाप राज, ऊपर से मुगल, द मुगल, व्हाट द मुगल डिड, मुगल में पैटर्नलिस्टिक रोल है, झरोखा दर्शन हो रहा है। अब ये झरोखा दर्शन क्यों हो रहा है? डायरेक्ट भाई अच्छा राज कर दो ना, वाई झरोखा दर्शन? बट झरोखा दर्शन इज टू शो दैट किंग इज व्हाट, सुप्रीम, किंग इज सुप्रीम और किंग इज ग्रेट। और ये क्यों हो रही है? लेजिटिमेसी के लिए हो रही है, राइट? तो ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कौटिल्या क्या बोलते हैं? गुड गवर्नेंस के लिए बोलते हैं, मोरल एजेंट या मोरल एक्ट के तौर पे काम करता है, जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को ये सलाह देते हैं। अशोका क्या बोलते हैं? अशोका ये बोलते हैं, अशोका सेज दैट इवन इफ आई एम विद द क्वीन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट स्टॉप, राइट? सो हिज सेंस ऑफ मोरालिटी, हिज सेंस ऑफ धम्मा इज बियॉन्ड पर्सनल पावर। तो वो जो है, he is locating his power into the realm of public. तो he is acting as a moral act or moral agent. ये हो गया Indian administration. इसके और भी example हैं, Vijayanagara Empire and all those persons, those who were ruling on the basis of moral act and moral agent. Why? Because they were thinking that if I will be putting the God in the center of realm, then public will be accepting me more. Because बहुत fragile administration होता है monarchy का, क्योंकि because only one person is there, he can get dead, he can be given any kind of venom, any kind of thing, and he can be deposed also. तब क्या होगा? पूरा पूरा हाहाकार मच जाएगा. So if the persons or the people of the country will be like favoring or become loyal to the king, and other darbari, another person, courtiers will be, courtesans will be actually faithful to the king, then administration will be good. So here what we are seeing, moral act and moralism, isn't it? So these are the things we are seeing. Britishers also. Then
majorly when we are talking about moral act and moral agent, then we come to the post-independence India. In post-independence India, when we are making constitution, what we are seeing? Baba Saheb Ambedkar, Dr. Ambedkar, what he says? He says that there should be constitutional morality, isn't it? Constitutional morality, not social morality. Now, any kind of morality or any kind of agent, we are not sure. But we can put here, yeah, administration is a moral act and moral agent. Why? Because it is constitutional morality which is driving it, not the social morality. So obviously it is moral act or moral agent. What is constitutional morality? According to the whims and fancies of the constitution only the republic will be dealt with, not the social morality. So jaise ki ab aapka, the examples will be like Sabarimala entry, women's entry, right? And this Shagni Shignapur women entry, Dargah women entry. Then we are having LGBTQI judgment. Those things are what? It is acting as the constitutional morality. जो आपका जो वर्डिक्ट है उसी के आधार पे हो रहा है और मोरल एक्ट एंड मोरल एजेंट के तौर पे डिस्कस हो रहा है। दूसरी बात क्या है कि अब देयर इज लाइक टू टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देयर इज साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइंटिफिक। अब ये साइंस वाले क्या थे कि ये ज्यादातर कंसर्न किस चीज के बारे में थे? डिजाइन के बारे में कंसर्न थे, इंजीनियरिंग के बारे में कंसर्न थे। बट जो सोशल वाले थे वो देवर लाइक देवर एक्टिंग एज अ मोरल, देवर थिंकिंग इन मोरल टर्म्स, मोरल प्रिंसिपल्स उन्होंने डिजाइन करने की कोशिश की। जैसे कि अगर हम मैरी पार्कर फोले को देखें, शी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, मोरालिटी, अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल की बात वो करती है, अकाउंटेबिलिटी विद की बात करती है, अकाउंटेबिलिटी ओवर की नहीं बात करती, दबाने की, कुचलने की बात, रिप्रेशन डिप्रेशन की बात नहीं करती। वो बोलती है कि कॉन्फ्लिक्ट को हटाइए। ये सब क्या है? पीस बिल्डिंग क्या है? ये सब मोरल प्रिंसिपल है, मोरल एजेंट के तौर पे काम करेगा। तो एमपी फॉले देखें आप या मायो को देखें आप, ये सब क्या कर रहे हैं? दीज आर सोशल एजेंट्स, दीज आर सोशल एजेंट, बट दे आर, देयर प्रिंसिपल्स आर मोरल प्रिंसिपल, दे हैव गॉन बियॉन्ड द साइंस। जो साइंस बात करता है केवल एम्पिरिकल एविडेंसेस की। एंड अगेन व्हेन वी सी अबाउट द रिसेंट एक्ट्स, उसमें क्या है? मिनो ब्रुक 3, व्हाट वी आर सीइंग, मैरी ओ'लियरी सेज दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन is a socially embedded process for human flourishing of all, isn't it? So what it is socially embedded, when we are socially embedded, isn't the act become moral? Isn't the administration become morally responsible towards that? Then if we talk about Mahatma Gandhi, so as an administrator, Mahatma Gandhi was as an administrator, because in India we are seeing Ambedkar, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru as administrator, not only as leader. So these administrator, what they are saying? They are saying that the state has a responsibility, and what those responsibility are? Those are based on socialistic principles, moral principles. So दे विल बी टॉकिंग अबाउट ड्यूटी बॉन्डेडनेस। क्या बात करेंगे वो? ड्यूटी बॉन्डेडनेस, इजंट इट? ड्यूटी बॉन्डेडनेस ऑफ रिपब्लिक टूवर्ड्स पब्लिक और द एडमिनिस्ट्रेटर टूवर्ड्स द पब्लिक। सो महात्मा गांधी विल बी टेलिंग दैट वाइपिंग टीयर्स फ्रॉम ईच एंड एवरी आई, दैट इज द मोरल एजेंट, मोरल एक्ट। वट इज दैट मोरल एक्ट? वाइपिंग टीयर्स फ्रॉम ईच एंड एवरी आई। सो द मॉडल, देखिए कहीं भी मॉडल वॉडल देता है ना, एक्चुअली इतना ज्यादा डायनेमिक आस्पेक्ट में नहीं बताएगा आपको, कुछ भी लिख देगा। तो दिस इज व्हाट आई हैव टॉक्ड अबाउट इज एक्चुअली द मॉडल आंसर ऑफ दिस, राइट? इन दिस पर्सपेक्टिव ओनली वी शुड बी राइटिंग। नाउ एग्जाम्पल्स कैन बी मेनी मोर, योर एक्सप्लेनेशन कैन बी मेनी मोर, बट इफ यू आर नॉट राइटिंग लाइक दिस एंड यू हैव टू राइट इन ऑल डायरेक्शंस, लाइक पॉलिसी मॉडल ऑल्सो यू कैन राइट इन पॉलिसी, व्हाट इज मॉरल एक्ट एंड व्हाट इज अ मॉरल एजेंट, policy conceptions. So you can give examples of what? Education policy, health policy, all these. Ayushman Bharat Abhiyan, what is that? That is a moral act, and state is being the moral agency, because this is like liberalized, sector, liberalized governments. Then also, NPM aane ke baad bhi, state has moral authority, moral act and moral agent.
तो मोरल अथॉरिटी के तौर पे वो काम कर रहा है. सो इट इज लुकिंग लाइक व्हाट ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन ओनली. नहीं तो वो तो बता दें ना कि आई डोंट हैव मींस व्हाई आई विल सपोर्ट यू. सो दिस इज लाइक पॉलिसी कॉन्सेप्शन में भी बताना है आपको. देन डिजाइन कॉन्सेप्शन में भी बताना है आपको कि किस किस एज में क्या क्या हुआ. लाइक कौटिल्य से लेकर स्टार्ट कर सकते हैं और विल्सन एंड ऑल दोस थिंग्स वी कैन कवर. एंड देन यू कैन राइट अबाउट द रिसेंट एडवांसेस ऑल्सो. गुड गवर्नेंस, इट इज अ मोरल एजेंट, ऑब्वियसली मोरल एजेंट इन गुड गवर्नेंस. ई गवर्नेंस, RTPS, like Sevottam model. What is Sevottam model? Why we are talking about Sevottam, Seva Uttam? So that is the actually moral agent, working as moral agent. Citizen Charter ka jo bhi service hai, time bound service hai. So these are like moral authority, moral act, moral agent only. And then those things are actually ethically bonded. Ethically bonded accountability or control bhi usi aadhaar pe hai. Because jo contract ki baat hai, wo contract ki baat yahan pe hogi. So we can see in all those dimension and then we can actually think that what is the answer. So that whatever I have given to you right now is actually the model answer for this question. Now you, I see what you are, you have written. What is TPS? What is TPS? TPS. Traditional public, but TPS, where it is TPS? Aapne sir likha tha TPS. Where I had written Sevottam citizen charter. Okay, Sevottam ke baad likha tha maine. Sevottam citizen charter. Okay. RTPS, right to public service. Acha, right to public service. ठीक है sir. Yeah. वहीं का वहीं पूछ लिया कीजिए. अगर कोई दिक्कत हो वहीं का वहीं रोक के पूछ लिया कीजिए. Because I do not, because पूरा दिमाग से आ रहा है. तो ये वो रटा रटा नहीं है. So I will be like again. I will be not able to go back to that. Administration is the action part of a state to overcome the challenges of a state in implementation to achieve public interest. That thus its end is realization of public aspiration. Don't you think you have become more ethical in writing? Is it ethics or is it like public administration we are writing? See, aap jo uska sense banana cha rahe hain ya decode karna cha rahe hain, that is good. But it is not coming in that sense. We have to change the way to actually fetch marks. How I will realize that, how out of 2 marks, if just imagine if I am giving you 2 marks, how I will be putting marks? 0.5 mark, yeah, 1 mark, yeah, 1.5 mark, yeah, 2 marks. Maximum 2 can be possible, but you know that the maximum is 1 only. Why? Because this is humanity. Mm-hmm. Out of 400, how maximum marks? What is that? Not more than 50%, na? Like 55% can be there, 60% can be there, not more than that. So not more than 1 on normal sense. So agar aapka maximum 1 hai, to 1 lane ke liye kya likhna hoga? We have to write not only dynamic aspect, but we have to directly decode. So we have to write ki what is moral act and what is moral agent. So administration is the, so it is in the question only. Nothing been added. Action part of a state. So you have written particularly, okay, action part of a state, because you are talking about it is act to be, overcome the challenges of a state in implementation to achieve public interest. It is little bit vague. Thus, its end is realization of public aspiration. So it is not being clear whether you have got the gist of the question or not, right? So introduction is not making sense to me at all. Can you tell me ki, what do you mean by your introduction if I ask you? The objective of administration is to uphold the public aspiration, which itself is a moral act. So I try to link that, but see, what you have done is you have actually tried to define administration. Right? Mm-hmm. But you have not actually acted on these premises, moral act or moral agent, because it is already defined. Na? The mm-hmm. statement is defined that administration is moral act and administrator is a moral agent. Then what we have to do next? We have to actually prove this, isn't it? So we can think like this, that what we will be writing. So we should actually start with the why. Why administration is moral act and why administrator is moral agent?
इसको थोड़ा सा ऐसे बना सकते हैं ना, ये जिसको बोलते हैं कि क्या कहते हैं, एक स्पेक्ट्रम तो बना ही सकते हैं. सो ऐसे लिख सकते हैं क्या, एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू मॉरल एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटर ट्रेटर इज इक्वल टू मॉरल एजेंट. नाउ थिंक अबाउट इट, व्हाई इट इज लाइक दैट, मॉरल एक्ट. सो वी कैन राइट लाइक, इसको ही चेंज करके हम लिख सकते हैं, since its inception, administration, and now you have to write that you have understood that this is not only public administration, administration as generic area of interest. Since its inception, administration as generic area of interest has been providing moral grounds based on public morality, private morality, or individual morality. इन दिस वे वी कैन रिकॉर्ड कि अब क्या है ये. अब ये नाउ यू हैव टू जस्ट राइट एग्जाम्पल, व्हाट इज मोरल एक्ट एंड व्हाट इज मोरल एजेंसी. तो यू कैन राइट एग्जाम्पल, कौटिल्या सीज द किंग एज मोरल एजेंट ऑफ पब्लिक हैप्पीनेस. इतना लिखना है, you have to write this only. Otherwise you can start with other thinkers also, and you can यहीं पे आपको थोड़ा सा हिंट दे देना है. बट यर कौटिल्या से भी स्टार्ट करेंगे, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपके आगे पास आपके पास है ना और भी स्टेटमेंट देने के लिए. सेकेंड पैरा में कुछ और लिखेंगे, थर्ड पैरा में कुछ और लिखेंगे. तो ये लिखेंगे यहाँ पे क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जेनरिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. मतलब ये एक्चुअली प्रैक्टिकल चीज बता रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रैक्टिकल चीज है. प्रैक्टिकल चीज किस चीज में है, मोरल एक्ट में. कौटिल्या का जो हैप्पीनेस वाला है, प्रजानाम च हिते हितम, प्रजा के हित में ही राजा का हित छिपा हुआ है. तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे सेमी कोलोन दे के लिख सकते हैं, भूटान्स कॉन्सेप्शन ऑफ GHP, ग्रॉस हैप्पीनेस ऑफ प्रोडक्ट. Why we can give this modern example? Because यहाँ का administration को जरूरी थोड़ी ना gross happiness product देने का, लेकिन उसने morally ये सोचा है कि नहीं, मेरा environment सही रहेगा, मेरे लोग खुश रहेंगे, तभी जो है सो अच्छा होगा. So its conception is based on moral agent and moral act. It can deny that. Mostly लोग कहाँ GHP की बात करते हैं, GDP की बात कर रहे हैं ना सारे लोग. So it is like moral act in moral agent only. So administration as a generic subject तो यही हो जाएगा. दूसरी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक वाला भी मैंने लिखा, पब्लिक मोरालिटी में ये हो गया. प्राइवेट मोरालिटी में आप क्या लिख सकते हैं, प्राइवेट मोरालिटी है क्या, प्रॉफिट ओरिएंटेशन, दैट्स इट. NPM एग्जांपल इज NPM टॉक्स अबाउट प्रॉफिट ओरिएंटेशन ऑफ गवर्नमेंट, सो दैट विल बी प्रॉफिट मोरालिटी. मोरालिटी यहाँ पे क्या है, मोरालिटी जो भी आपको अच्छा लगे, दैट इज मोरालिटी. एंड मोरल एजेंट, मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं, मैं लोगों की हेल्प करूँ तो करूंगा, नहीं लगेगा अच्छा तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कहीं और चले जाओ, और भी सुविधाएं तुम्हारे पास हो सकती है. सो मोरल एक्ट एंड मोरल एजेंट इज लाइक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ जेनरिक सब्जेक्ट. यहाँ पे ये क्लियर हुआ आपको? यस सर, एकदम क्लियर लग रहा है ना कि ये मोरल एक्ट और मोरल एजेंट बोल ही क्यों रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ही क्यों बोल रहा है. सो देयर विल बी लाइक सेवरल एग्जांपल्स. एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्शन पार्ट. तो अब यहाँ पे इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा. देखिए, इसी को मॉडिफाई कर लीजिए, इसी में एग्जाम्पल दीजिए, इसी को सब्सटेंशिएट करिए. अगर आपको नहीं बदलने का मन है तो इसको भी कर सकते हैं. सर इंट्रोडक्शन है, सपोर्ट सर इंट्रोडक्शन ना, क्या बोल रहे हैं ओके सर, ये इंट्रोडक्शन में ही सर डालूं ये सब कि सर ये सारी चीजें नहीं डाली हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है वो तो मैंने डिकोड किया था. उसमें से कोई एक पकड़ लीजिए, जो फ्रेगमेंट है. देखिए यहाँ से यहाँ तक है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो कोई स्टार्टिंग का पकड़िए, तो कौटिल्या पकड़ लीजिए, तो मुगल पकड़ लीजिए, कोई भी पकड़िए आप, या विल्सन पकड़िए तो विल्सन से पहले वाला पकड़ लीजिए. जैसे कि बोलिए कि विल्सन वाज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ही टॉक्स अबाउट
public administration, he talks about the professionalism and implementation part, but administration as a generic subject acted as the moral agent of the public work since inception. Bas example de dijiye, Sumerian, Mesopotamian, Indus Valley, or you can say any of that for that matter, right? कोई भी आप वहां पे डाल सकते हैं कि भाई स्टार्टिंग में क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन मोरल एजेंट के तौर पे ही काम कर रहा था, कोई कह नहीं थोड़ी ना रहा था, डिमांड इस तरीके से नहीं है कि यू डू वर्क फॉर मी, नो द डिमांड इज नॉट देयर, मोरल एजेंट था वो, अपने आप को सत्ता में स्थापित किया और मुझे करना है, क्यों, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, क्यों जरूरी है मेरे लिए। हाँ जब बन जाता था मोरल एजेंट के तौर पर तब मानता ये मेरा राजा है, बट ऐसा भी नहीं होता था कि यही मेरा राजा रहे, नहीं समझ रहे हैं आप ये, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक आयाम बना नहीं है ना क्लियर, तो ये मोरल एक्ट या मोरल एजेंट के तौर पे होगा, लेकिन जैसे ही रैशनल हो जाएगा, जैसे ही लीगल हो जाएगा, तब बॉन्डेड हो जाएगा, वो मोरल एजेंट नहीं है, मोरल एक्ट नहीं है, तब हम वहां पे क्या बात कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा हम क्या दे सकते हैं, जितना लॉ लेटर ऑफ लॉ में लिखा उससे ज्यादा अगर देंगे तो वो मोरल एक्ट या मोरल एजेंट के तौर पर होगा, है कि नहीं। द गार्जियनशिप इज बींग प्रोवाइडेड, the paternalism is being provided. अब तो बोला यार कि नैनी स्टेट या मोरल एक्ट तो बहुत गलत चीज है, capability approach में बोलते हैं क्या अमृत सिंह, it is not a moral agent or moral act, it should be giving the public those services जिससे कि खुद ही capable हो जाए, खुद ही अपने आप में moral agent है, he will choose ना कि उसको क्या चाहिए, उसको अगर जॉब चाहिए होगा तो करेगा, नहीं तो वो कुछ और करेगा, उसको जॉब नहीं करने वाला होगा घर में बैठेगा, लेकिन उसको इतना कैपेबल बना दो कि उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, स्टेट को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मोरल एक्ट या मास्टर ऑफ द फेट ऑफ डेस्टिनी ऑफ रिपब्लिक और द सिटीजन, ये कॉन्सेप्शन यहाँ पे आया, तो उसी को आपको दोनों तरफ लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ आगे पीछे लिखा नहीं है, तो आप प्रोज भी लिख दीजिए, कॉन्स भी लिख दीजिए इसका, बस आप फ्री हैं पूरा, इन ऑर्डर टू रियलाइज पब्लिक एस्पिरेशन द स्टेट हैज टू, अब देखिए एक आपने बना लिया अपना, क्वाइन कर लिया एस्पिरेशन, और एस्पिरेशन को ही लेके जा रहे हैं, ये नहीं है, आपको तुरंत डायनेमिक एस्पेक्ट में चेंज हो जाना, अगर आप ज्यादा लिखिएगा पब्लिक एस्पिरेशन वो पूछ नहीं रहा है ना पब्लिक एस्पिरेशन, तो इन ऑर्डर टू रियलाइज पब्लिक एस्पिरेशन द स्टेट हैज टू अपहोल्ड वेरियस पॉलिसी प्रोग्राम एंड एक्सेट्रा अंडर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये सही है आपका, ये मुझे लाइन सही लग रहा है, अगर ये इतना रहता ऊपर वाला नहीं रहता, ऊपर वाले में अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्शन अगर मोरल एजेंट का आप दिखा देते तो मुझे चलता ये, दिस इज गुड ऑनली, अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज वेरी ग्रेट, यहाँ डेमोक्रेटिक वैल्यूज में लिखिए एग्जाम्पल या विज या कुछ भी ऐसा लिखिए या दैट इज, और तुरंत लिख दीजिए वहां पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज में क्या, डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या है वहाँ, इक्विटी, हाँ इक्विटी, रूल ऑफ लॉ, इक्विटी रूल ऑफ लॉ, ये सब लिख दीजिए यहाँ पे, और जो इसमें ज्यादा आपको मोरल एक्ट दिखे वो लिखिए, आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस जॉन रॉल्स, इसमें लिखिए कि ये क्या करवाता है, यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जांपल देना होगा, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, और जनरिकली भी लिखिए वहाँ पे, प्राइवेट और पब्लिक को स्टार्टिंग में ही लिख दीजिए कि हर जगह मोरल एजेंट है, इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, तो यहाँ लिख दीजिए प्रियम्बल, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट में कहाँ देखते हैं सर, मोरल एजेंट के तौर पर कहाँ देखते हैं, तो मोरल एजेंट के तौर पर आप फंडामेंटल में देखेंगे क्या, मोरल एजेंट कैसे, आर्टिकल 14 सर हो सकता है, आर्टिकल 32 मतलब एक कंप्लीट जस्टिस के तौर पे जहां भी है, आप गोल्डन ट्रायंगल ऑफ राइट्स बोल सकते हैं कि मोरल एजेंट है, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ राइट्स, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ राइट्स क्या है, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी 14 अच्छा सर 20 और 21 ये हर जगह पे मोरालिटी आता है, 21 में भी मोरालिटी आएगा, 19 में भी मोरालिटी आएगा, चॉइस, राइट टू प्राइवेसी, जजमेंट, राइट टू चॉइस, मैरिज, इक्वालिटी वाले में बहुत सारा ऐसा प्रमाइस है जहां मोरालिटी आएगा, तो जितना भी LGBTQ और ये सब था जो सोशली अबहॉर्ड था वो अब समझिए कॉन्स्टिट्यूशनली, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में आ गया, वो प्रोटेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्शन इज लाइक ओके, प्रोटेक्शन इज वन ऑफ द पैटर्नलिस्टिक एस्पेक्ट, जहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए ही चाहिए लोगों को, तो स्टेट पे थॉरली डिपेंडेंट है और मोरल एजेंट है स्टेट इसके तौर पे, क्योंकि वो मोरालिटी दिखाता है कि तुमने गलत किया तो क्यों किया, और उसको पेनलाइज करता है या उसको करेक्ट करता है, ये सब सब मोरल एजेंट का काम है, तो ये सही है आपका लेकिन यहाँ पे कहाँ आ रहे हैं थिंकर्स, कहाँ आ रहे हैं थिंकर्स, दिख ही नहीं रहा मुझे,
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट एज मोरल एजेंट टू, अब नाउ यू हैव कम टू दिस, ये कंक्लूजन है क्या आपका? नहीं सर, अभी बॉडी है सर, अभी लिखा है आपने, ओके चलिए देखते हैं। एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, इसको सबसे पहले लिखना था, फिर बाकी चीजों को लिखना था तो और अच्छा रहता। मोरल एजेंट टू ओवरकम द चैलेंजेस इन एग्जीक्यूशन, दिस शुड बी योर फर्स्ट लाइन, दिस शुड बी योर फर्स्ट लाइन, देन भी ये रैशनलाइज हो जाता। एज द पीपल विल इज, अच्छा पीपल्स विल इज एक्सप्रेस्ड इन स्टेट एंड स्टेट विल इज एक्सप्रेस्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इज द मोरल लाइन। You tried somehow tried to do that because आपको कोई parallel नहीं मिल रहा है किसी theory का। अब मैंने जब Hegel की theory आपको बताई, Kautilya की theory बताई, Mughal की theory बताई, तो आपको याद आ रहा होगा कि नहीं ये बात है, ये तो पढ़ा है। तो ये चीजें यहाँ पे लगाइए example के तौर पे, लिखने की आपको खास जरूरत नहीं होगी फिर, ठीक है? आपको बस conception बताना है कि Mughalaj thought like that, Kautilya in Mauryan administration thought like that, Ashoka think like that. तो वो कैसे सोच रहा है, मोरल एजेंट के तौर पे सोच रहा है हमेशा, मैं जनता की सेवा करूंगा, जनता की सेवा करना, जनता के काम आना, जनता के डिमांड को बिना कहे फुलफिल कर देना, यही सब मोरल एक्ट है। इट इंश्राइंस वैल्यू लेडन, या डेफिनेटली इट इज अ ग्रेट वर्ड यू हैव एडेड, वैल्यू लेड एडमिनिस्ट्रेशन टू अचीव कॉन्स्टिट्यूशनल गोल, ठीक है ये बहुत अच्छा लाइन है, इसको ओके करिए, वैलिड। नाउ यू हैव गिवन लाइक आपने फ्लो चार्ट बनाया, डायग्राम बनाया, पीपल एस्पिरेशन स्टेट सोशल कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी इंप्लीमेंट एंड गोल अचीव्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ये, बट इसको अलग कर दीजिए, जैसे ही आप डायग्राम बनाते हैं उसको घेर दीजिए ऐसे, और नीचे में डायग्राम का नाम लिखिए, डायग्राम वन, क्वेश्चन नंबर अगर वन है तो डायग्राम 1.1, क्वेश्चन नंबर टू है तो डायग्राम 2.1, ऐसे बनाइए आप इसको, तभी ये काम का है, तभी अच्छा दिखेगा, नहीं तो लग रहा है कि दोनों कनेक्टेड है क्या। एंड देन इसको भी बनाइएगा घेर के ऐसे, इसका नामकरण कर दीजिएगा डायग्राम 1.2, एक सेमी कोलन डाल के, कमिटमेंट चेंज ओरिएंटेड वेलफेयर। तो ये कोशिश यही करिएगा कि अगर एक में फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोस्टली दिस थिंग यू हैव रिपीटेड हियर, यहाँ से सॉरी ये इतना यहाँ है ना, तो ये चीज यहाँ पे इक्विटी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस, उसको कोशिश करिए वही कि अच्छा अलग से मोरल एजेंट लिखे हैं तो उसमें नियो वेबेरियन डेमोक्रेटिक, अगेन यू हैव रिपीटेड सो मेनी थिंग्स हियर इन दिस। ये चार्ट का या डायग्राम का मतलब ये नहीं होता कि हम चीजों को रिपीट करें, या तो आप स्टार्ट में लिख देते हो और फिर उसको एक्सप्लेन कर देते हो, समझ में आता। अब आपने एक्सप्लेन कर दिया उसके बाद समराइज कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं, समझ रहे? ये आप फिर टाइम वेस्ट कर लिए अपना, या तो आप पहले लिख दीजिए उसको, अब लास्ट में देखते हैं कि क्या है। और जनरली फैग एंड पे मत बनाइए डायग्राम, डायग्राम या तो इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद, या नहीं तो आपका सब हेडिंग जो पहला सब हेडिंग है मोरल एजेंट है, पहला आपको लिखना चाहिए था मोरल एजेंट है और मोरल एक्ट है, दूसरा लिखना चाहिए था मोरल एक्ट नहीं है, नॉट अ मोरल एक्ट, एंटीथेसिस। तो ये दोनों ही पार्ट आपको लिखना है, जब ना पूछे तो और बढ़िया आपके लिए लिख दीजिए, तभी आपका रैशनलाइज होगा, तभी आपको ज्यादा नंबर देगा। अब सोचिए कि जिसने ये दोनों पार्ट लिख दिया होगा उसको ज्यादा नंबर देगा ही देगा, भले ही वो कितना ही गंदा लिखा हो, उसको दोनों देखेगा कि हाँ कम से कम इतना दिमाग तो इसके पास है कि इसने डिजाइन में दोनों लिख दिया, NPA नियो वेवेरियन मॉडल। अब नियो वेवेरियन आप बार बार बोल तो रहे हैं लेकिन क्या है ये अगर नहीं बता रहे हैं तो कैसे पता चलेगा। गुड गवर्नेंस मॉडल, ठीक है गुड गवर्नेंस मान लेते हैं, NPA मान लेते हैं कि आपने बता दिया, नियो वेवेरियन क्या है, नियो वेवेरियन में कुछ तो दिखाइएगा ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज वैल्यू लेडन विद मिशनरी जील परफॉर्म रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म, ठीक है अब इसमें लिखिए ना, आपके पास मौका है, सबका साथ सबका विकास, साथ सबका विकास, राइट, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये सब क्या है, ये सब सब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का एग्जांपल है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये एक बनाने की जिम्मेदारी, यूनिटी इंटीग्रिटी की जिम्मेदारी किसने ले ली है, कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी मोरल एक्ट के तौर पे किसने ले ली है, गवर्नमेंट ने ले ली है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे। तो ये सब चीज है। अब न्यू एथिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इमोशनल क्वेश्चन,
नहीं ये ठीक नहीं है आपका, इसको रिप्लेस करिए, नॉट वैलिड। आपका बस एक चीज मुझे अच्छा लगा, वैल्यू लेडन आपने फिर लिखा, मिशनरी जील आपने लिखा, ये अच्छा लगा, परफॉर्म रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म अच्छा लगा, ये थोड़ा टिपिकल हो रहा है। खासकर लास्ट में जाते जाते तो टिपिकल मत बनाइए, अगर आदमी को कंफ्यूज कर दिया आपने लास्ट में तो जो भी देना होगा वो भी होल्ड कर, नहीं समझे, डाउट हो जाएगा इसको कि अरे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसमें लास्ट में आपको क्या लिखना है, लास्ट में ये लिखना है कि रिसेंट टाइम का ज्यादा एग्जाम्पल दे दीजिएगा लास्ट में, क्योंकि आप स्टार्टिंग में जितना भी मैंने पॉइंटर बताया वो सब डाल दीजिएगा, हीगल से लेके कौटिल्या से लेके जितना भी है, अशोका अशोका से लेके पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट सारा कुछ डाल दीजिए, एनपीएम एनपीए सारा, एनपीएम में भी कुछ कुछ है, पीसीए में भी कुछ कुछ है, जीजी में भी, हर जगह मोरल एजेंट और मोरल एक्ट दिखेगा आपको, हो ही नहीं सकता ना दिखे आपको, है ना। तो अब जैसे च्वाइस है, लोगों का च्वाइस एनपीएम या पीसीए देता है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड पब्लिक च्वाइस अप्रोच, तो ये च्वाइस कैसा है, मोरल च्वाइस है उसका अपना एज ए मोरल एजेंट, इंडिविजुअल एजेंट के तौर पे, तो उसको देता है तो फिर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर को कैसे काम करना है, फिर मोरल च्वाइस च्वाइस ज्यादा से ज्यादा मांग रहा है दे दो, यही है। तो इसमें लास्ट में आप क्या लिख सकते हैं कि इन रीसेंट टाइम्स और यू कैन राइट लाइक दिस, इन कंटेम्पररी टाइम्स विनो ब्रुक थ्री, ये लास्ट करिएगा इसी से आप, विनो ब्रुक थ्री, मैरी ओलियरी has defined public administration as moral act and administrator as moral agent. Ab isme define karte hain, public administration is socially embedded process in human flourishing of all. इन इंडियन पैरेलल, यहाँ लिख दीजिएगा इन इंडियन पैरेलल, बापूज ड्रीम ऑफ अपलिफ्टिंग ऑल एंड ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल वेर ही इन्विजन्स वाइपिंग टीयर ऑफ All eyes, like, यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा like, सबका साथ सबका विकास, सेमीकोलोन, अंत्योदय, एक्सेट्रा, बस कुछ छोड़ा ही नहीं फिर आपने, लास्ट में आपने मिनो ब्रुक थ्री भी लगा दिया, गांधी जी का सपना भी लिखा दिया, उसके बाद आपने मॉडर्न पैरेलल भी डाल दिया, सबका साथ सबका विकास और अंत्योदय वगैरह अभी भी चल रहा है, ये सब कॉन्सेप्ट मोरल एजेंट का कॉन्सेप्ट है, क्लियर हुआ ये आपका? ठीक है सर, आर्टिस्ट सर, ये सब सारा क्या करिए, रीराइट करिए, किसी भी क्वेश्चन को रीराइट करके फिर से दिखाइए, उसमें क्या होगा कि अब मैं जस्ट आपको बोल दूंगा, फिर मैं उसको स्क्रीन पे नहीं लूंगा, आई विल टेल यू कि हां ठीक है मेजरली आपने ठीक लिखा है, इसमें जो भी चीज होगा उसमें मैं राइट करके या ऑडियो मैसेज डाल के मैं फिर आपको डाल दूंगा कि हाँ ये ओके है, तो फाइनल लिखिए उसको। और ये जो है यहाँ पे जो डायग्राम बनाने का आपका सिलसिला है, तो डायग्राम आप वैसा बना दीजिए, सिंपल सा एनपीए का बना दीजिए और उसमें बता दीजिए ये है उसका, और उसके बगल में ब्रैकेट में डाल दीजिए इक्विटी, डाला ना आपने, यस सर, इक्विटी लिख दीजिए कि लाइक मोरल एक्ट या मोरल प्रेमाइस लिख दीजिए, क्योंकि आपको एक्ट और एजेंट में अंतर नहीं बताना, बात एक ही है, आपको लिखना है मोरल प्रेमाइस, चार बार मोरल प्रेमाइस लिखा है, एक बहुत ही छोटा सा बना, हो गया। अब उसमें कौटिल्या का आप लिख दीजिएगा, कौटिल्या का कौटिल्यन गवर्नेंस सिस्टम या अर्थशास्त्र, अब उसमें लिख दीजिएगा चार